Hi, this is Malika. Welcome to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Hi friends, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज बिरयानी. चलिए देखते हैं इसका रेसिपी. वेज बिरयानी बनाने के लिए मैं इधर सब्जी काटी हूँ. इधर गोभी और गाजर, आप अगर चाहे तो और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं. मेरे पास अभी इतना ही अवेलेबल था. अब हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे दही डाल के, 2 चम्मच, और मसाले नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गोल मिर्च और धनिया पाउडर और कसूरी मेथी. आप अगर चाहें तो आलू काट के भी डाल सकते हैं. चावल चढ़ाने के लिए एक ठो पतीले में पानी पूरा भर के उसका पानी को गर्म करें. जब ये बॉईल करने लगे उसमें हम कुछ कुछ ऐड करेंगे. पानी में थोड़ा उबाल आने लगा है, थोड़ा बुलबुला सा दिख रहा है. अब हम इसमें थोड़ा मसाले ऐड करेंगे. तेज पत्ता, लौंग, गोलमिर्च और दालचीनी और कोरिएंडर. अब इसको कवर करके छोड़ दें जब तक इसका पानी अच्छे से बॉईल ना हो जाए. छी पे डाल दें और धनिया पत्ता काट के. इसमें उबाल आ चुका है. अब हम इसमें चावल डालेंगे जो 1 घंटे से सोक करके रखा हुआ था. इसको कवर करके 80% चावल को पकाना है. बॉईल करते टाइम चावल को थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दीजिए ताकि जो चावल है वो खिल के आए. दूसरे साइड में एक प्रेशर कुकर को मैं गरम करूँगी. प्रेशर कुकर गरम हो चुका है. अब हम इसमें 5 टेबलस्पून तेल डालेंगे. तेल को गरम होने दें. तेल गरम होते ही उसमें हम तेज़पत्ता और सूखा लाल मिर्च डालेंगे. अब उसमें 5 फ़ोरन डालूँगी, 2 चम्मच. 5 फ़ोरन के बाद अदरक महीन कटा हुआ और लहसुन महीन कटा हुआ उसमें डालेंगे. थोड़ा सा हल्का सा इसको मिला के उस पर हम प्याज डालेंगे, लंबा लंबा कटा हुआ. प्याज को लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करें. प्याज के बाद इसमें हम टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे. हरी मिर्च को मैं 2 तरीके से काटी हूँ. एक बीच से चीर दी हूँ और एक छोटा छोटा महीन काटी हूँ. ये दोनों डालेंगे लाइट ब्राउन होने के बाद. अब इसको अच्छे से मिला लें. इन द मीन टाइम जो सब्जी मैरिनेट करके रखे थे वो हो गया है और चावल भी 80% पक चुका है. चावल का पानी को गार के निकाल दें और थोड़ा सा उसमें से पानी जो है एक कटोरी में रख लें फ्लेवर के लिए. अब हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ सब्जी है वो हम इसमें डालेंगे. चावल जो है अच्छे से पक चुका है 80%. अब हम इसको ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे. सब्जी डालने के बाद इसको थोड़ा देर मिक्स कर लें अच्छे से. और अब हम मसाले ऐड करेंगे. नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अगर आपके पास बिरयानी मसाला है तो आप बिरयानी मसाले ऐड कर सकते हैं. थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी. आपको अगर अदरक लहसुन पेस्ट भी डालना है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच. मसाले सब ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट पकने दें. 5 मिनट पकने के बाद जो बिरयानी का जो पानी है जो हम अलग करके रखे थे वो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे. पानी को थोड़ी देर सूखने दें. ज़्यादा नहीं सुखाना है, इसमें हम चावल और पकाएंगे. पानी जो है वो 50% सूख चुका है. अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे. 50% चावल डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, फिर बाकी का चावल ऊपर से डाल दें. इसका लेयरिंग हो चुका है. अब हम इसमें 2 कप पानी डाल के इसमें 1 सीटी लगाएंगे. आप चाहे तो ऊपर से और थोड़ा कसूरी मेथी डाल सकते हैं.
वेज बिरयानी अब तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।